हेलो, कौन हम बोल रहे हैं? कौन हम बोल रहे हैं? नहीं जानते? नहीं जानते? जानते तो हेलो कौन के बाद आप लोगों के बीच फिर से जो हेलो कौन जोड़ी है बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। ऐसा है धर्म जी, दुबे जी मेरे एक्टिंग के पीछे पड़े हैं। अब एक्टिंग तभी करूंगी जब आप हीरो रहेंगे। पत्रकार कोई हीरो बनता है? यहाँ कौन हमको पूछता ही नहीं, इनको देखो हीरो। अभी देखो। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत देसी भारत पर। मेरे साथ बहुत खूबसूरत टैलेंटेड अभिनेत्री, बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, स्नेह उपाध्याय खड़ी हैं और इनके साथ खुशियाली मनाते हैं। सबसे पहले आपको हाय तो कर ले। हाय स्नेह। हेलो दुबे जी, कैसे हैं? मस्त चल रहा है, चंगा चल रहा है जी अपना तो। एकदम मस्त चंगा। इतनी बड़ी खुशखबरी हुई है, आपको तो पता ही होगा। हाँ, क्या बेटा हुई बेटी हुई, क्या हुआ? छी, आपने बोला खुशखबरी हुई। खुशखबरी बेटा बेटी होना ही होता है क्या? अच्छा चलो, जो है वो बता दो। हमारा गाना 900 मिलियन हुआ है। 900 मिलियन। हेलो कौन की बात हो रही है? एक बार थोड़ा हो जाए। वैसे तो स्नेह ने मुझे लगता है 1 अरब बार आपने हेलो कौन गाया रहेगा ना, 1 अरब बार। लेकिन क्या है कि अब लोग आपको इतना प्यार करते ना, तो एक बार हेलो कौन। हम बोल रहे हैं। कौन हम बोल रहे हैं? नहीं जानते? नहीं जानते? जानते तो 900 मिलियन। और इस गाने में नेहा के साथ रितेश पांडे थे, आशीष वर्मा ने इस गाने का म्यूजिक बनाया और हाल ही में रितेश जी ने अपनी पूरी टीम के साथ में 900 मिलियन का जो केक है काटकर खुशियां मनाई। आपने दिखी उस वीडियो में? क्योंकि मैं बिजी थी और वो लोग बनारस में अवेलेबल थे उस वक्त, इस वजह से, और मैं मुंबई में थी, मेरे इवेंट्स भी चल रहे थे, इस वजह से मैं नहीं जा पाई। अच्छा स्नेह, वाकई में ये गाना 900 मिलियन क्रॉस हुआ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अलग अलग तरह के रिकॉर्ड भी तोड़ते जा रहा है और लगातार बढ़ते ही जा रहा है, तो खुशियाली तो अंदर होती होगी ना कि इस गाने का आप हिस्सा हैं? बहुत ज़्यादा होती है, और इनफैक्ट इस गाने ने लाइफ चेंज की है तो। और सबसे अच्छा ये लगता है कि फर्स्ट, मतलब गाना हिट, एक होता ना हिट होना, बट हिट भी हुआ तो इस तरीके से हिट हुआ, लाइक इतिहास रचने वाला है, 1 बिलियन होने वाला है गाना, और बहुत बड़ी बात है। सिर्फ और सिर्फ ये मेरे, रितेश जी या हमारी टीम के लिए बड़ी बात नहीं है, ये पूरी जो इंटायर हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है, आई थिंक उसके लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा एक और बात बताइए कि ये गाना, कहाँ जा रहे हो? ऐसा क्या हो गया जी? ताली दे दो। अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा था कि उस दिन क्या बात हुई थी रितेश जी से, जिस दिन केक कटी हुई थी, आसने आप नहीं हो, हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आ सकते हो, ऐसा कुछ भी? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ था, बट हमारी, हमने एक दूसरे को बधाई दिया था, आशीष जी को बधाई हमने दिया और उन्होंने भी हमें दिया, रितेश जी को भी हमने बधाई दिया, तो बस नॉर्मल हमारी बातचीत हुई है। हम जाएंगे जब गाना 1 बिलियन पहुंच जाएगा, तो जल्दी जल्दी 1 बिलियन पहले पहुँचा दीजिए। अच्छा, और इसके साथ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट है, स्नेह को बताएंगे, चलिए बताइए। हेलो कौन के बाद आप लोगों के बीच फिर से जो हेलो कौन जोड़ी है बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। बहुत दिन से नहीं 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 हेलो कौन, देखिए मेरे कल एक ही बारी होता है, वो ज़रूरी नहीं है हर बार हो जाएगा, तो मैं और रितेश जी एक और गाना कर रहे हैं, मूवी में स्पेशल अपीयरेंस है मेरा पुलवा मूवी में, और उस गाने में, उस मूवी में वो गाना आ रहा है, गाने का नाम है चांद पे चाय पियेंगे। चांद पर चाय पियेंगे, हाँ जी। अच्छा तो मतलब फुलवा मूवी आ रही है रितेश पांडे जी के साथ, स्पेशल कैमियो है आपका, और ये गाना ही गाते हुए आप दिखेंगे? हाँ, ये गाना गाते हुए और वीडियो में भी हूँ मैं। वीडियो में? हाँ। एल्बम में भी हुआ? एल्बम मतलब वो मूवी के अंदर का गाना है, तो एल्बम नहीं बोल सकते, मूवी तो में क्या गाना रिकॉर्ड हो गया? सब हो गया, शूट हो गया, सब कुछ हो गया, बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। क्या बात है, मतलब वापस रितेश पांडे के साथ में एक जबरदस्त। तो अब क्या चल रहा है आपका? हिंदी गानों में बहुत ज्यादा लुप्त तो हो गई हैं आप, कहीं ना कहीं वाकई में सच्चाई तो है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत नहीं गा रही हैं आप, बहुत दिख भी नहीं रही हैं, और साथ ही साथ पिछली बार जो बात हुआ था एक्टिंग को लेकर के, तो एक्टिंग भी आप अभी तक डेब्यू नहीं की हैं। ऐसा है धर्म जी, दुबे जी मेरे एक्टिंग के पीछे पड़े हैं, अब एक्टिंग तभी करूंगी जब आप हीरो रहेंगे। पत्रकार कोई हीरो बनता है, यहाँ कौन हमको पूछता ही नहीं, इनको देखो हीरो। अभी देखो धीरे धीरे कदम बढ़ सकता है, अभी मूवी में स्पेशल अपीयरेंस हुआ, उसकी भी तो हमें पता नहीं था ना कि हम करने वाले हैं, तो ऑफर्स तो आ रहे होंगे ना? ऑफर्स बहुत सारे, ऑफर्स बहुत सारे हैं, मैं मना कर दे रही हूँ क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, एक्टिंग को लेके, बट ऑफर्स बहुत सारे हैं।
ऑफर बहुत सारे हाँ। तो अच्छा मतलब मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, पर लेकिन गाने की अगर बात करें तो भोजपुरी में बहुत नहीं गा रहे हो आप, नहीं क्यों ऐसा? ऐसा हिंदी नहीं है, मैंने हिंदी देखिए, हिंदी तो मेरा है, वो मेरी अलग व्यूअर्स है, मैं अपने चैनल्स के लिए करती हूँ, बट भोजपुरी कर रही हूँ, ऐसा नहीं। आप टी सीरीज पे गाने आ रहे हैं, मेरे जी पे आ रहे हैं, अभी मेरे आपन भोजपुरी पे गाने आने वाले हैं, तो लगातार गाने चल रहे हैं, टिप्स से बात चल रही है, तो अलग अलग कंपनियों से बात चल रही है। मे बी एक बहुत बड़ा सा धमाका मैं दूँ बहुत जल्द, अभी बात चल रही है, कुछ क्लियर नहीं है, बट बहुत जल्द एक बड़ा गाना प्लान हो रहा है। खैर लेकिन आपको बहुत ज़्यादा बधाई, क्योंकि आपका जो ये YouTube का जो प्लेटफॉर्म है स्नेह उपाध्याय, वो लगातार उसमें सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, तो कैसे ये मुमकिन हो पा रहा है, ऐसा क्या चमत्कार लग रहा है? कुछ चमत्कार नहीं लग रहा है, 3 मिलियन फॉलोअर होने वाले हैं YouTube पे, और बस मेहनत कर रही हूँ, गाने डालते रह रही हूँ, मैं ये सोच के नहीं गाने डाल रही हूँ, गाने चलेंगे कि नहीं चलेंगे, बस अपने तरफ से बेस्ट देते रह रही हूँ, शायद उसी में से एक गाना कोई निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्नेह हमसे इतनी बात करने के लिए, क्या कहेंगी जाते जाते तमाम दर्शक? जितने दर्शक हैं हमेशा की तरह अपनी स्नेह पे, आप अपना स्नेह बनाए ताकि मैं भी अपना स्नेह आप लोगों पे लुटाते रहूं, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और धर्म जी के चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। बिल्कुल, और दोस्तों मैं इनसे जबरदस्ती जो कह रहा हूँ ना, आप भी कमेंट पे एकदम ऐसा लगा दीजिएगा झड़ी कि भाई एक्टिंग करनी है, करनी करनी, क्योंकि इंडस्ट्री में यार इतनी खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं, इनकी एक्टिंग बहुत जरूरी है देखनी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।